ये प्रदेश के लिए एक उपलब्धि है कि जेएनयू में उत्तर प्रदेश के विकास मॉडल पर मंथन किया जा रहा है। प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने योगी सरकार के लक्ष्य पर जेएनयू में जुटे वक्ताओं ने अपने विचार रखे। जेएनयू में योगी आदित्यनाथ को लेकर पहली बार अर्थशास्त्रियों और विद्वानों ने विचार मंथन किया है। इस अवसर पर योगी एट 1 ट्रिलियन ड्राइव पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक में नागरिक सुविधा, कानून व्यवस्था, रोजगार और स्वास्थ्य का अवलोकन किया गया है। प्रदेश कैसे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बढ़ रहा है, इसको लेकर बारीकी से पड़ताल की गई है। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कहा कि योगी के नेतृत्व में प्रदेश इस लक्ष्य को पार करेगा। पहले मैं आपको ले जाना चाहता हूं कि आज भारत है कहां और उसके बाद फिर हम उतर के आएंगे कि उत्तर प्रदेश के बारे में जो पूनम जी ने लिखा है वो क्यों लिखा है और वो दिशा क्यों इस तरफ को जा रही है जहां हम उत्तर प्रदेश को एक ट्रेन अकेडमी इकोनॉमी के रूप में देखना चाहते हैं। पूरी दुनिया में एक आर्थिक व्यवस्था है, एक आर्थिक गति है 6.5% की, वो भारत की है, किसी की नहीं होगी। हमारे पास 2015 में स्टार्टअप का प्रोग्राम शुरू हुआ था, आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया था। 428 रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स थे। आज पूरे विश्व में भारत तीसरे नंबर पर है जहां अगर हम ऐसे स्टार्टअप्स की बात करते हैं जो यूनिकॉर्न्स हैं या जिनकी करोड़ से ज्यादा की बिजनेस है, तीसरे नंबर पर। अगर हम बात करें स्टार्टअप्स के संख्या के अंदर, हम पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर हैं। और अगर हम बात करें रोजाना खुलने वाले स्टार्टअप्स के अंदर, तो आपका देश सबसे अग्रणी है पूरे विश्व में।